सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? अभी कैसी चल रही है आपकी गेमिंग? सो मेरे पास आ चुका है आईफोन 30 प्रो मैक्स और हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे फ्री फायर गेम प्ले। टेस्ट चल करते वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो में क्या है खास। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके अपने दोस्तों में जाके शेयर कर दे गाइस। सो चलिए फटाफट स्टार्ट करते गाइस। यहाँ पे दो स्टिकर्स है उसको हम निकालते हैं, एक नीचे की ओर है तो नीचे से भी यहाँ से स्टिकर निकालते हैं। फटाफट डब्बे को कर लेते हैं ऑन और ऑन करते गाइस फर्स्ट में क्यूट सा आईफोन की ब्रांड डिवाइस देखने को मिलता है। काफ़ी खूबसूरत है गाइस, इसकी तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आईफोन एक नेक्स्ट लेवल की डिवाइस है गाइस, काफ़ी तगड़ी है गाइस। तो यहाँ से मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसका। चलिए रैपिड अलग करते हैं। रैपिड अलग करने के बाद तो काफ़ी तगड़ी एमएलए डिस्प्ले के साथ फ़ोन को ऑन कर लेते गाइस। ऑन करके उसके बाद साइड में रखते हैं और नेक्स्ट आपको दिखाते हैं डब्बे की ओर क्या है। तो डब्बे में गाइस क्या ही मिलेगा आपको पता है, नेक्स्ट टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है और नेक्स्ट गाइस एक छोटा सा पैकेट टाइप का होता है जिसमें गाइस एक सेमी इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और छोटी छोटी मैनुअल्स इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है जो काफ़ी क्यूट सा है गाइस। तो रखते हैं इसको भी साइड में और आते अपने डिवाइस की ओर। तो डिवाइस ऑन हो चुका है गाइस, फटाफट सेटअप भी कर लेंगे, उसके बाद गाइस आपको दिखाएंगे इसकी इंप्रेशंस कैसी है। तो डब्बे को रखते हैं साइड में। ओ माय गॉड, मतलब खूबसूरत फ़ोन ऑन हो चुका है, काफ़ी तगड़ा लग रहा है गाइस। इसमें जो एक्सडीआर का डिस्प्ले है ना काफ़ी तगड़ी है गाइस। चलिए स्पेसिफिकेशंस भी जान लिया जाएगा इस। सो गाइस फर्स्ट में हम बात करेंगे डिस्प्ले के, तो डिस्प्ले का गाइस यहाँ पे 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ प्रोमोशन के साथ। रैम की बात करूँ गाइस तो 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। वैसे स्टोरेज बहुत सारी है वेरिएंट वाली। और नेक्स्ट गाइस प्रोसेसर की बात कर लूँ तो A15 का बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है जो आईफोन की खुद की चिपसेट है, काफ़ी तगड़ी। और बैटरी की बात करूँ गाइस तो लियोन की तरफ से आपको 4373mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है जो काफ़ी तगड़ी है। और नेक्स्ट गाइस आपको यहाँ पे 20W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो 15 मिनट्स में गाइस 30 मिनट में 15% चार्ज कर सकती है। और मैक्सिप की तरफ से गाइस 15W का फास्ट वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया है गाइस स्पेसिफिकेशंस, तो मतलब क्या ही बोलूँ, एक नेक्स्ट लेवल की फ़ोन है तो काफ़ी तगड़ी है गाइस। चलिए एक गेम प्ले भी स्टार्ट करके हम देखेंगे गाइस कि इस फ़ोन के अंदर गेम प्ले वैसे कैसी चलती है, काफ़ी तगड़ी होने वाली है तो काफ़ी मज़ा आने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, टेस्ट भी करते हैं गाइस। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने फ्री फायर के लॉबी के अंदर और फर्स्ट हम आपको सेंसिटिविटी ग्राफिक्स सेटिंग पे लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे इसकी कैसा इसकी सेंसिटिविटी ग्राफिक्स सेटिंग होती है, काफ़ी मज़ा आने वाला। तो चलिए नेक्स्ट हम नीचे आते गए, इसको बाय डिफॉल्ट ही छोड़ते क्योंकि हम बस 92 कर लेते हैं क्योंकि जैनल को मूवमेंट स्पीड के लिए, तो उसके बाद काफ़ी तगड़ी है। नेक्स्ट आते गए यहाँ पे अल्ट्रा कर देते हैं, XDR भी खेल सकते हैं वैसे नहीं, अभी अल्ट्रा रहने देते हैं। नेक्स्ट गए यहाँ पे शैडो वगैरह भी ऑन कर ही लिए और नेक्स्ट चलते गए इस कहाँ पे हाई MBPS की तरफ से, तो गाइस इसको भी ओके कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गाइस हाई ग्राफिक्स होती है, बैटरी यूजेज ज़्यादा होती है और ज़्यादा होता है और काफ़ी तगड़ा स्मूथ फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है तो काफ़ी तगड़ी है। तो चलिए सेटिंग हो चुका है गाइस, यहाँ पे अच्छा सा क्लैश स्क्वाड का गेम प्ले सिलेक्ट कर लेते गाइस, सिलेक्ट हो चुका, प्ले भी कर ही देते हैं गाइस, प्ले हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी फास्ट है गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ, काफ़ी तगड़ा फास्ट फ़ोन है क्योंकि गाइस आईफोन एक अलग और नेक्स्ट लेवल की डिवाइस है गाइस, क्योंकि आपको पता ही है किसे नहीं पसंद है गाइस, क्योंकि क्या ही बोलूँ। सो चलिए गाइस यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड में आ चुके हैं और आपको हम डायरेक्ट फाइट सीन पे लेके चलेंगे और बातें करेंगे और फ़ोन की फीचर्स की कि कैसी डिवाइस है, कैसी कैसी फीचर्स है इसके अंदर। सो गाइस यहाँ पे हम फटक से नीचे आ गए गाइस, यहाँ पे देखते हैं एक दो बंदे भाई मिल जाओ। ओ भाई ओ, चलो एक बंदे डाउन, काफ़ी तगड़ी। ओ भाई इसको हेड लगा या फिर ये ऑटोमेटिक डाउन, मतलब यहाँ पे क्या ही बोलूँ, काफ़ी तगड़ी स्मूथ सा गेम चल रहा है क्योंकि आपको खुद ही पता होगा इसकी आईफोन एक अलग लेवल की स्मार्टफोन होती है। वैसे हर एक इंसान को मतलब मेरे मतलब हर कोई का सपना होता है गाइस कि अपने लाइफ में जरूर एक बार आईफोन जरूर मतलब प्ले करूँगा इसकी, आईफोन चलाओ, मतलब क्या ही बोलूँ, आईफोन एक अलग नेक्स्ट लेवल की डिवाइस है गाइस, मेरे को काफ़ी तगड़ा लगा। यहाँ पे चिपसेट की बात अगर करूँ गाइस तो यहाँ पे मतलब A15s का वो भी मतलब अभी की जर्नेशन की बात करूँ गाइस तो अदर फोन की बात करूँ तो अदर फोन में तो आपको पता ही गाइस कि हेलोजी डायमेंसिटी स्नैपड्रैगन कोलकम मतलब ऐसे सब चिपसेट मतलब प्रोसेसर लगाते हैं, लेकिन आईफोन एक ऐसे अलग लेवल के स्मार्टफोन है गाइस कि आईफोन खुद की एक चिपसेट को ही मतलब डिज़ाइन कर दिया, तो काफ़ी तगड़ा है गाइस ये सी चिपसेट में तो मतलब क्या ही बोलूँ। मान लो गाइस यहाँ पे अगर हम कैमरे की बात कर लूँ
तो अदर फोन में आपको कैमरा जो है ना गाइस 108 मेगापिक्सल्स 64 मेगापिक्सल्स देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन का अगर 12 मेगापिक्सल से भी उसके कैमरे को मतलब कंपेयर करूँ ना गाइस तो मतलब क्या ही बोलूँ यार, आईफोन तो आईफोन ही होता है गाइस। इसका 12 मेगापिक्सल भी आपको 108 पे भारी पड़ सकता है। तो गाइस आपको पता ही होगा कि आईफोन एक अलग ब्रांड है, उस ब्रांड को मतलब ऐसे डिवाइस को क्रिएट करता है गाइस कि इसके लेवल में तो मतलब आना ही नहीं चाहिए कोई भी डिवाइस। तो यही होता है गाइस, यहाँ पे गेम प्ले काफ़ी तगड़ा और स्मूथ चला है, काफ़ी बढ़िया। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है गाइस, आईफोन की मैं वीडियो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आया है और अभी हम डालते रहेंगे गाइस आईफोन की। और आईफोन को आईफोन के रिलेटेड आपकी कोई भी ओपिनियन है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसकी भी वीडियोस लेके आऊँगा। चार्जिंग, फ्रेम ड्रॉप, कुछ भी ग्राफिक टेस्ट वगैरह आप कमेंट में मेरे को बताना, मैं लेके आऊँगा। तो गाइस यहीं पे हमारा गेम प्ले एंड होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हम लोग भुया कर लिए काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और हाँ गाइस, अगर आपको इसकी प्राइस जाननी है तो गाइस कमेंट जरूर करना, प्राइस भी बताएंगे, कलर भी बताएंगे। काफ़ी तगड़ी है गाइस इसकी फ़ोन, मतलब क्या ही बोलूँ, काफ़ी मस्त है गाइस। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। फास्टर चिप, अ हाई परफॉर्मेंस डिस्प्ले एंड द बिगेस्ट अपग्रेड एवर टू द कैमरा, इंट्रोड्यूसिंग आईफोन 13 प्रो, इट्स रेडी फॉर new wide and ultra wide cameras let you capture incredible scenes in even lower light. The new telephoto camera has 3x optical zoom for even closer close-ups. Discover a new world in macro with the ultra wide camera and upload and download faster on the go with 5G. The superior durability of ceramic shield means iPhone 13 Pro is ready for any shoot, almost anywhere. iPhone 13 Pro offers filmmaking capabilities not possible in even the most expensive movie cameras. Now you can capture, edit, and deliver in ProRes, the same format used in the movie industry. And introducing Cinematic Mode, which brings the art of cinematography to iPhone. For the first time, you can shift the focus automatically while you shoot or even afterwards. And all in Dolby Vision. The Super Retina XDR display with ProMotion uses an adaptive refresh rate that makes the iPhone experience feel faster and more fluid. Power is redefined with A15 Bionic, the world's fastest smartphone chip, and a huge leap in battery life to keep up with your day. More powerful, more intelligent, and a world of cinematic possibilities. iPhone 13 Pro.